अजान खान यानी सचिन एक रॉ ऑफिसर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करते हैं इंडिया में और उन्हें भेजा जाता है टू गेट अ क्योर फॉर द डिस्ट्रक्टिव वायरस स्प्रेड बाय डॉक्टर टू किल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थ्रू हिज बायोलॉजिकल वॉरफेयर डॉक्टर नाम के एक इंसान है साजिद हसन उन्होंने एक इबोला वायरस बनाया है और उस वायरस से इंडिया के पॉपुलेशन की मौत वो चाहते हैं और इसलिए इस रॉ ऑफिसर को भेजा जाता है अलग अलग कंट्रीज में टू गेट अ क्योर फॉर दिस वायरस तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट की यानी स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स की शुभरा स्वरूप हीरज मार्फटिया और प्रशांत चड्ढा इनकी स्टोरी है एंड दिस स्टोरी अबाउट बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज क्वाइट न्यू फॉर द इंडियन ऑडियंस बट स्क्रीन प्ले इतना कंफ्यूजिंग और कहानी भी इतनी कंफ्यूजिंग है व्यूअर्स बोन्ट फॉलो द वाइज एंड द हुज इन द प्लॉट शुभ्रा स्वरूप का स्क्रीन प्ले इज मॉर कंफ्यूजिंग दैन अ जिक्स ऑफ पजल बिकॉज ऑफ विच द ऑडियंस इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द ड्रामा एंड इवन एन्जॉय द वंडरफुल स्टंट्स वैसे देखा जाए तो स्टंट्स बहुत ही बेहतरीन है लेकिन क्योंकि ड्रामा इतना कंफ्यूजिंग है आप स्टंट्स भी एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम स्पेशली इन द सेकंड हाफ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचते हैं कि यह कहानी किस दिशा में मुड़ रही है किस दिशा में जा रही है किस दिशा में बढ़ रही है और इसलिए आपको मजा ही नहीं आता है डायलॉग्स जो शुभ्रा स्वरूप ने पेन किए हैं दे आर ऑर्डनरी और एक और बात देर आर टू मेनी डायलॉग्स इन इंग्लिश एंड अदर फॉरन लैंग्वेजेस बहुत सारे डायलॉग्स अंग्रेजी में बोले गए हैं अलग अलग फॉरन लैंग्वेजेस में बोले गए हैं बिकॉज अजान खान अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और उन डायलॉग्स को ऑडियंस को समझाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में स्क्रीन में सब दिए गए हैं बट दैट डजन मेक थिंग्स एनी बेटर तो ये तो हुई स्क्रिप्ट की बात आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर सचिन जे जोशी की यह पहली फिल्म है ही मेक्स डेब्यू एज एन एक्टर इन दिस फिल्म ही शाइन्स इन द एक्सट्रॉडनरी स्टंट्स बट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न कैंडिस बाउचर लुक्स एंड शी डज रीजनेबली वेल आर्य बब्बर ठीक ठाक है सैमी घारभी इज गुड इन एक्शन सीन्स रवि किशन डेफिनेटली एक मार्क छोड़ते हैं अली खान डज अ फाइन जॉब सरिता चौधरी स्टैंड हर ओन साजिद हसन जो डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत ही आसानी से वो भूमिका निभाते हैं बहुत ही अच्छा काम किया है एफर्टलेस ईज के साथ उन्होंने काम किया है बट कंसिडरिंग ब्रेन बिहाइंड सच अनियस क्राइम उनका रोल काफी इनसिग्निफिकेंट और छोटा है दलिप ताहिल दलितबली विजय इंद्र घाटगे फाइन जॉब सचिन खेड़ेकर इज ऑल्सो इफेक्टिव उन्होंने भी काम अच्छा किया है एम्बर रोज रेवा इज क्यूट एंड प्रॉमिसिंग एज सोफिया नीत मोहन ठीक ठाक है अब एक नजर डालते हैं फिल्म के डायरेक्शन और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर प्रशांत चड्डा का नरेशन कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द एक्शन एंड स्टंट्स एंड ऑलमोस्ट इग्नोर्स द स्टोरी पार्ट ऑफ द ड्रामा बिकॉज ऑफ विच ऑडियंस को फिल्म समझने में तकलीफ होती है मुसीबत होती है इन दैट सेंस हिस डायरेक्शन लीव्स प्लेंटी टू बी डिजायर्ड बट हीज गिविन द फिल्म एंड इंटरनेशनल लुक बहुत ही इंटरनेशनल तरीके से बनाई है हॉलीवुड की फिल्म लगती है एंड बहुत स्टाइलाइज शॉर्ट टेकिंग्स है उनके बट दैट इज नॉट इनफ एक्शन एंड स्टंट्स अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स ने कंपोज किया अलग अलग कंट्रीज में एंड एक्शन और स्टंट्स इस फिल्म का मेन स्टे है बहुत ही बढ़िया एक्शन और बहुत ही बढ़िया डेथ डिफाइंग स्टंट्स है द एक्शन सीन्स एंड फॉरिन लोकेशन हैटली कैप्चर्ड बाय सिनेमाटोग्राफर एक्सिल फिशर संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने एंड द म्यूजिक इज ब्यूटिफुल आफरीन सॉन्ग एक्सेलेंट है ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया है बिस्मिल्ला नंबर इज ऑल्सो अपीलिंग सॉन्ग पिक्चराइजेशन डेफिनेटली नीडेड टू बी फार मोर आई फिलिंक तो ऑन द होल अजान बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म करेगी सबसे पहली बात तो इट्स अ वेल माउंटेड वेल शॉर्ट फिल्म यानी माउंटिंग अच्छी है शूटिंग बहुत अच्छी और स्टाइलाइज है लेकिन इट वोंट मेक अ मार्क एट द बॉक्स ऑफिस इन स्पाइट ऑफ इट बिंग एन एक्शन फिल्म आप तो जानते ही एक्शन फिल्मों का बोलबाला है आजकल और एक्शन फिल्में मासिस को पसंद आती है बट इस फिल्म में वो बात नहीं है बिकॉज स्क्रीन प्ले बहुत ही कंफ्यूजिंग है इंडियन ऑडियंसेस को ऐसी फिल्म कम समझ में आएगी दफो इन स्पाइट ऑफ द एक्शन इन स्पाइट ऑफ द लवली स्टंस इन स्पाइट ऑफ गुड कैमरा वर्क दिस फिल्म विल नॉट बी एबल टू मेक अ मार्क एट द बॉक्स ऑफिस